हेलो गाइज, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूँ सुनील कुमावत और अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11। तो शुरुआत करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, अब पीपीएफ भी बोलते हैं, पीपीसी भी बोलते हैं, दोनों ही बात सही है। ठीक है, एक दो नाम और भी है इसके, लेकिन हाँ पीपीए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये है क्या और आप पढ़ क्यों रहे हैं, पहले समझ लेते हैं ये है क्या और फिर मैं आपको बताऊंगा ये पीपीए पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले देखते हैं पीपीए क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर आप इसको बोले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन रिसोर्सेस। आपके पास देखिए रिसोर्सेज जो है, हम ऐसा मान रहे हैं इसमें एक कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से अब हम मान लीजिए सिर्फ हम कोई दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा अज्यूम किया है कि सिर्फ दो ही गुड्स मान लीजिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यदि हम एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मान लेते हैं अपन के जैसे अब ये दो पेन है ना, ये कुछ अलग वेराइटी की प्रोडक्ट, कोई दूसरा कोई प्रोडक्ट है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है, दोनों प्लास्टिक से बनते हैं। अब ये एक्स है, इसका नाम वाई है। अब मान लीजिए आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वाई का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो और यदि इसका कम करेंगे तो इसका बढ़ जाएगा। तो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो है जैसे जैसे प्लास्टिक से बन रहे हैं, तो प्लास्टिक जो है वो क्या है, लिमिटेड है। तो हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा समझने लायक हैं, पर पहले आप बेसिक मॉडल समझ लीजिए, फिर हम इसमें बात एडवांस बातें भी हम लोग करेंगे। पहले मान लेते हैं हम कि दो कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है एक्स, दूसरा प्रोडक्ट है वाई। आप कुछ भी प्रोडक्ट के नाम रख सकते हो, चाहो तो आप मान लीजिए इसको आपने रख दिया व्हीट और इसको नाम दे दिया आपने राइस, है ना। या आप कोई प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बना रहे थे तो आपको प्लास्टिक का प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो नाम दे सकते हैं। तो जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको आप नाम दे सकते हैं। तो आप ये व्हीट है ये राइस है मान लेते हैं, मैं इसको सिंपली एक्स और वाई नाम दे दिया मैंने। अब एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है कि भाई इसको हम यदि 10 यूनिट बना रहे हैं तो ये हम बना ही नहीं पा रहे हैं, जीरो। फिर हम दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि भाई हमने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया, अब इसका जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया हमारा बी कि 9 ये प्रोड्यूस करेंगे तो 1 ये प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर और इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसका प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। फिर इसका प्रोडक्शन और बढ़ाना है तो इसका प्रोडक्शन जो है हमें और कम करना पड़ेगा, तो ये हो गया 4। फिर तो ये हो गया आपका डी वाला कॉम्बिनेशन हो गया। फिर एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि क्या हम इसको और ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो इसका प्रोडक्शन हो सकता है कि हम नहीं कर पाए, जीरो ही कर पाए। अब यहाँ आपको एक चीज़ आपको खल रही होगी, क्या सर ये हमने 1 1 1 1 बढ़ा रहे हैं आप, है ना, यहाँ पर 1 बढ़ाया फिर 1 बढ़ाया फिर 1 बढ़ाया फिर 1 बढ़ाया, मतलब जो है यहाँ पर आप जब 1 1 1 और 1 बढ़ा रहे हो तो फिर ये यहाँ पर ये सोतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो आप। पहले यहाँ पर 1 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 3 कम किया, फिर 4 कम किया, ऐसा क्यों? तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ऐसा इसलिए कि देखिए जब आप किसी कोई भी आप किसी टाइप के दो प्रोडक्शन का आप एक अनुमान लगाइए कि आप इसका प्रोडक्शन कर ही नहीं रहते, पहले आप इसका प्रोडक्शन जीरो कर रहे थे, कर ही नहीं रहते, और इसका प्रोडक्शन आप फुल लेवल पर आप कर रहे थे। अब जब इसका प्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया तो पहले इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा ही कम हुआ, फिर और जब बढ़ाया तो फिर इसका प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा रेट से कम हुआ, फिर और ज़्यादा रेट से कम हुआ। तो ये ज़्यादा रेट ज़्यादा क्यों हुए,
ये देखिए आप सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए आपके पास 10 लोग हैं, अब 10 10 लोग हैं, 10 लेबर हैं आपके पास, 10 के 10 लेबर एक जैसा काम करती होगी क्या? बिल्कुल नहीं, 10 के 10 लेबर एक जैसा काम नहीं करती होगी। 10 में से कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते होंगे, फिर कुछ उनसे कम, फिर कुछ उनसे कम काम करते होंगे। इट मीन्स आप सिर्फ लेबर ही की बात नहीं कर रहा, और भी रिसोर्सेस होते हैं, है ना? तो बाकी सारे रिसोर्सेज की यदि हम बात करें तो उसमें से मैं फिलहाल ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लेता हूँ। इसमें तो जो लेबर है आपके पास, जो 10 लोग हैं, 10 में से कुछ बहुत अच्छा काम करते होंगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, और फिर थोड़ा और कम। अब मुझे एक बात बताइए कि ऐसा भी नहीं है कि जो जो एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये दो प्रोडक्ट है, ये वाले प्रोडक्ट का अच्छा से काम जिसको आता है, ऑब्वियसली बात है उसको दूसरे काम है वो काम अच्छे से नहीं आता हो, तो जो ये काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उसको यदि आप दूसरे कब जगह पहुँचाएंगे तो वो वाला काम अच्छे से कर पाए, ये एक संभावना है। पर लेकिन आपके पास 10 लोग थे, 10 लोगों के लिए काम कर रहे थे, ये वाला प्रोडक्शन कर रहे थे, अब 10 में से पहले आप किसको पहुँचाएंगे? जिसको ये काम अच्छा आता है उसको पहुँचाएंगे, या जिसको ये काम अच्छे से नहीं आता है, या जो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी या जिसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है उसको पहुंचाओगे? भाई आपको इसको इधर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करना है तो आप पहले किसको बचाओगे? पहले आप उसको बचाओगे जो यहाँ पर वो अच्छे ज़्यादा फिट नहीं है, तो पहले आपने उसको उधर पहुँचा दिया, तो यहाँ पर आपको क्या हुआ? नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। फिर आपके पास सेकंड टाइम में क्या हो रहा है? आपके पास अब बचा कौन? आपके पास जो ज़्यादा स्किलफुल है, मतलब इसके कंपेरिजन में ज़्यादा स्किलफुल है, उसको आप उधर पहुँचा दोगे तो आपका नुकसान क्या होगा? ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर और जो ज़्यादा स्किलफुल है उसको बचाओगे तो नुकसान इधर ज़्यादा होगा, फिर और जो स्किलफुल है उसको उधर बचा दोगे तो इधर आपका ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि आप जब किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन जो कम होगा और कम होने की जो रेट है वो ज़्यादा रहेगी, और इसी रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हम पढ़ेंगे, लेकिन इस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को MRT भी बोल सकते हैं आप, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक, तो जैसे हमने एक को गेन करने के लिए हमें यहाँ एक सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यहाँ एक को गेन करने के लिए हमें दो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यहाँ एक को गेन करने के लिए हमें तीन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो रेट हुआ वो 1:1 का हुआ, यहाँ पर 2:1 का हो गया, यहाँ पर 3:1 का हो गया, यहाँ पर 4:1 का रेट हो गया। ठीक, तो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, पहले 1, 2, 3 फिर 4 हो गई। ठीक, थोड़ा सा और मैं व्यवस्थित लिख देता हूँ, यहाँ पर हो गया 1:1, यहाँ पर हो गया 2:1, यहाँ पर हो गया 3:1, और यहाँ पर हो गया 4:1। ठीक है, ओके। ये जो शेड्यूल है इसको बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, है ना? अब इसी को यदि हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद वो क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये पॉसिबिलिटीज है 1, 2, 3, 4, 5, इसको यदि हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये एक्स वाली साइड में आ जाएगा और ये वाई वाली साइड में। तो आप वाई वाली साइड में भी आपने ये लिख दिया, ये मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1, 2, 1, 1 तो नहीं, कोई भी एक कॉमन डिफरेंस आप ले लीजिए। कॉमन डिफरेंस हम क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं हम कि हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10, और इधर भी 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से हमने जो है डिफरेंस लिया। अब आप जब ये 10 है तब ये 0 है, जब ये 10 है तब ये 0 है, तो ये जब ये 10 है तब 0, तो ये तो यही यहाँ पर वाला पॉइंट बन गया। फिर जब ये 9 है तब ये 1 है, तो 9 यानी कि यहाँ, और जब 9 है तब ये 1 है, 1 है यानी कि ये यहाँ पर होगा। फिर जब ये 7 है तब ये 2 है, तो 7 इट मीन्स यहाँ पर, और ये 2 है तो ये यहाँ पर बन गया। फिर जब ये 4 है तब ये 3 है, तो ये 4 है तब ये 3 है, 3 मतलब यहाँ पर होगा, 3 मतलब यहाँ पर हो गया। फिर जब ये 0 है तब ये 4 है, तो ये 0 है तब ये 4 है, तो इट मीन्स इस टाइप का कुछ एक कर्व बनेगा। ठीक, अब इस पर यदि आप देखें तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना, और ये आपका ई वाला पॉइंट हो गया। ठीक, तो आपने जो है
इस टाइप से कर्व बनाया। इसको यदि आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप दो और अच्छे से बनाना चाहें तो और बना सकते हैं। कुछ इस टाइप का ही कर्व बनेगा, किस टाइप का, जो कि कॉनकेव टू ओरिजिन होगा, ठीक, इस टाइप का कर्व बनेगा। और ये जो कर्व है, इस कर्व का नाम ही क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है। इस टाइप से आपने सारे पॉइंट के नाम दे दिए, ठीक है। अब ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कोई पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशंस क्यों बने, क्योंकि हम दोनों चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से, क्या होगा, जो है हमें एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी चीज़ को जो है खोना पड़ता है। एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ को हमें घटाना पड़ रहा है, ठीक। तो कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन वाला एक जो है कर्व बनेगा। अब मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाह रहा हूँ, पर लेकिन ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इस टाइप से बनेगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसका मीनिंग है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग टू गुड्स फ्रॉम अ गिवन और फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। तो इसके बारे में, मार्टिक बारे में, MOC के बारे में और हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।